और सुनने में आया कि यहाँ पे एक आध चोरी और पीछे हुई, क्योंकि यहाँ पीछे आगे सड़क पे जाकर के पुलिस ने चोरों को छोड़ दिया। भैया किस लिए आपने हमको छोड़ा? बेटे के कान कैसे ठीक करे जाते हैं? अच्छा मैं सोच रहा हूँ वो कान छुड़वा के ना ये लटका दूँ ऐसे। फिलहाल गाड़ी ले ली है, चारों तरफ से चेक कर लिया, गाड़ी ठीक ठाक है। तो टोटल बिल आया है अप्रॉक्स, मम्मी हमको ऐसे ही दे देती लेकिन वैसे ही चले गए। आप लोगों को लगता है कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें सब कुछ 100% कवर हो जैसे ना, तो वो भी कमेंट करके बताना आप लोग कौन सा। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भैया आज की राम राम। तो परसों गाड़ी डालाए थे, कल बस वही अपडेट चलता रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर अपने वही सब काम धाम में लगे रहे, इसलिए कल कुछ व्लॉगिंग नहीं हुई। आज अपडेट ये है कि गाड़ी का डिलीवरी ऑर्डर आ गया इंश्योरेंस की तरफ से, कल रिपेयर ऑर्डर आ गया था। जिनका एक प्रोसेस होता है, पहले वो रिपेयर ऑर्डर होता है, वो आपको मतलब एक एस्टिमेट बताते हैं और फिर एक मतलब परमिशन देते हैं कि गाड़ी रिपेयर करी जा सकती है, मतलब वर्कशॉप वालों को। तो वो रिपेयर ऑर्डर आया था कल, हालांकि रिपेयर तो पहले हो गए थे, यानी टायर पहले ही लग गए थे, तो इस तरह से गाड़ी में कुछ रिपेयर नहीं होना था। लेकिन एक जो प्रोसेस होता है ना, उस हिसाब से पहले रिपेयर ऑर्डर आता है, गाड़ी रिपेयर होती है, फिर जब सब कुछ रिपेयर हो जाता है, सारा बिल वर्कशॉप वाले वहाँ शेयर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि ये चीज़ें पार्ट चेंज हुए हैं, ये डेंटिंग वेंटिंग हुई, जो भी काम का जो अपडेट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को वो बिल बना करके भेज देते हैं। उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या है क्या नहीं है क्या है, उसके हिसाब से प्रोसेस रहता है। अगर कंप्रेहेंसिव है तो 50-50% का रहता है कि 50% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 50% कस्टमर लायबल है, या जीरो डप में है तो जो भी है जो मैनेज होता है उस हिसाब से। उसके बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, तब वो इंश्योरेंस कंपनी डिलीवरी ऑर्डर निकालती है कि मतलब आप गाड़ी उठा सकते हो, मतलब गाड़ी डिलीवरी हो सकती है। अगर डिलीवरी ऑर्डर नहीं है तो वर्कशॉप वाले आपको गाड़ी रिलीज करके नहीं देंगे। तो बस उसी चीज़ की बात चल रही थी कि कल रिपेयर ऑर्डर आया है, तो मान के चला था आज डिलीवरी ऑर्डर मिल जाएगा, डीओ मिल जाएगा। तो एज एक्सपेक्टेड आज डीओ मिल गया है। तो गाड़ी मैंने अभी क्या बज रहा, अभी लगभग 11 बज रहा, मैंने उसको फ़ोन किया वर्कशॉप में, तो वो कह रहे हैं सर अभी गाड़ी मतलब लगी हुई है, वॉशिंग वॉशिंग करा के फ्री कर देंगे, बाकी आपके पास आ गया, हमारे पास भी डीओ आने वाला है, आज जैसे ही आ जाता है गाड़ी फ्री हो जाएगी, आप ले जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं 12:30 बजे तक आ जाता हूँ आराम से, तो आप गाड़ी वॉशिंग वगैरह करा दो और जो भी साफ वगैरह करना है वो सब कर दो, गाड़ी जल्दी रिलीज कर दो। उन्होंने बोले कि ठीक है मैं आपको एक बार अपडेट करके बताता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। सोनिया गई ऑफिस, क्योंकि उसको ऑफिस का काम था, उसकी वहाँ पे मीटिंग्स भी हैं ऑफिस में, तो वहाँ पे बुलाया गया है, तो एक दो दिन से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि गाड़ी का इशू था, लेकिन जब अर्जेंसी है तो जाना तो पड़ेगा ही, तो अपना कैब करके गई है। जाना भी उसको नोएडा था, क्योंकि दो ऑफिस हैं इनका, एक इधर साउथ दिल्ली में है एक नोएडा में है, तो आज नोएडा में थे क्योंकि सारे उनके जो सीनियर्स हैं वहाँ पर हैं, तो वो वहाँ गई हुई है, तो उसको तो टाइम लगेगा। और मैंने जब कॉल किया दोबारा तो कंफर्मेशन ये मिला वर्कशॉप से कि गाड़ी 4 बजे तक फ्री हो जाएगी, तो आप लगभग 3:30-4 बजे तक आ जाना। मुझे मैंने कहा यार चलो ठीक है, जल्दी मिल जाता तो सोनिया उसने कहा अभी तो कैब करके जाना पड़ा, खैर कोई नहीं जरूरी था तो जाना पड़ा। अभी फिलहाल वेट करते हैं 4 बजने का, 4 बजे नहीं मैं 3 बजे तक निकल जाऊंगा, तो है ना 3 बजे तक निकल जाऊंगा। गाड़ी के सारा सामान वगैरह मैंने उससे निकाल लिया था, अभी उसमें भी देखना है कि क्या क्या है क्या नहीं, क्योंकि सब कुछ उठा के मैंने उसमें रख लिया था, चाहे वो कूड़ा कबाड़ा और बोतल्स खाली वाली जो भी हैं सब उसमें डाल दिया था, तो उसको भी देखना है, उसको निकालना, जो चीज़ ज़रूरी है वो रखना है, बाकी सब हटा देना है। नीचे पार्किंग में भी देखना है, क्योंकि मैं अभी 15 तारीख को अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी को छोड़ने जाना है लखनऊ, तो मुझे वहाँ जाऊँगा तो कम से कम 4-5-6 दिन वहाँ लगेंगे। उस हिसाब से यहाँ सब पार्किंग में व्यवस्था कर दें ताकि पीछे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर जैसे रहता है ना वो सब देखना है। तो अभी फिलहाल वही सब है कि अब मतलब जाने का भी टाइम आ रहा है, अब अभी तो शुक्र है कि मैं 15 तारीख से पहले पहले सारा काम हो जा रहा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि ऐसे पहले पता नहीं था ना कि ये सब सीन हो जाएगा। मान लो 15 तारीख को जाना होता है, एक दो दिन पहले वारदात होती तो बड़ा दिक्कत हो जाती, मम्मी बहुत सोच के परेशान थी, बताओ ये सब हादसा यहाँ दिल्ली में ये सब चीज़ें हो जाती है तो बाहर को क्या ही कहा जा सके, वो भी बड़ी परेशान थी, बताओ ऐसी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, भी होता है यार, तो इतना सब माइंड स्ट्रेस हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और सुनने में आया कि यहाँ पे एक आध चोरी और पीछे हुई है, क्योंकि यहाँ पीछे आगे सड़क पर जाकर के कबाड़ी वाले की दुकान है, तो उसका दुकान बंद था, तो उसका शटर तोड़ करके सारा सामान वगैरह ले गए। सोचो ये सब हो रहा है और दिल्ली पुलिस का पता नहीं क्या ही चल रहा है। मैंने ट्वीट भी किया है कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं हो रहा है। और सबसे मजेदार बात सुनने में ये आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि चोर पकड़े गए और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। सोच रहे हो पुलिस ने चोरों को छोड़ दिया, भैया किस लिए आपने हमको छोड़ा? मन में डाउट आता है कि नहीं कि क्यों छोड़ा होगा भैया, कि आपता मिल गया आपको, या ऐसी क्या वजह थी जो आपने चोरों को छोड़ दिया? मतलब उन्होंने क्राइम तो किया ही है, कोई भी वजह रही आपको छोड़ तो सकते नहीं हो, उनके हिसाब से आप कुछ भी करो लेकिन आपको उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ दिया। अब कितनी उसमें क्या है वो तो आगे जाँच पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी
पुलिस वाले को फोन नहीं किया क्योंकि मैं वर्कशॉप वगैरह से गाड़ी वगैरह की ही बात कर रहा था। तो अभी मैं उसको फोन करूंगा, पता करूंगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ लीड मिली कि नहीं, यहाँ जो वारदात हुई उसका क्या हुआ है, भाई चोरों को पकड़ा था छोड़ा क्यों गया है। अब पुलिस वालों से क्या बहस कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करेंगे, जब उनका मन होगा जो उनको बताना होगा वही बताएंगे। तो वो लेकिन बहुत ही खराब चीज़ है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की मतलब क्या ही बोला, जगह जगह चोरियां होती रहती हैं, यहाँ भी चोरी हो रही है, आदमी कहीं मतलब एक तरह से सेफ एंड साइड लेकर रिलैक्स होकर तो बैठ ही नहीं सकता। आज को कहीं कल को पार्किंग से चोरी हो जाए, भाई आदमी 24 घंटे डंडा लेकर के बैठा नहीं रहेगा ना, कैमरे वाला क्या कर लेगा, कैमरा लगा करके बैठ भी जाओगे तो क्या कर लोगे, उसमें वो लपेट के आएंगे सब कुछ आएंगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं पकड़ में आते, कहाँ पकड़ में आते हैं, कहीं गैंग पकड़ में आ रही है। आपने सुना कि दिल्ली पुलिस ने कोई गैंग को पकड़ा हो जो चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैंने तो नहीं सुना गाड़ी के रिलेटेड कि कोई चोरी करते हुए गाड़ी पकड़ी गई है, ये पकड़े गए, कोइंसिडेंटली कहीं पकड़ गए तो पकड़ गए, नहीं तो ये लोग ऐसा तो नहीं पकड़ते भाई। अब देखो बुरा तो लगता है यार, कल को कोई हादसा फिर से भी हो सकता है ना, दिक्कतें होती हैं। अब खैर कोई क्या करता है, दिल्ली में जो चलता सब राम भरोसे है, बस आपस में लड़ मर रहे हैं कि वो उनको जमानत मिल जाए, उनको वोट मिल जाए, उनको ये मिल जाए, वो मिल जाए। कल मैं गाड़ी छोड़कर जब ऑटो वाले के साथ आ रहा था तो ऑटो वाला भी बहुत परेशान था कि पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, बूंद पानी नहीं आता है और सड़कें भरी हुई हैं पानी से, उसका कोई इंतजाम नहीं है, आदमी परेशान है, मेरा ऑटो खराब हो जाए तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, ये सब वो सब बहुत सारी चीज़ें, लोगों को दिक्कतें होती हैं, हर किसी को कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं, लेकिन सरकार अपने में लड़े मर रही है, अपने में लड़े मर, पिसता कौन है, आम जनता पिस रही है और बस परेशानी होती है इन लोगों, क्या इन लोगों के पास पैसा सब कुछ है। खैर क्या कर सकते हैं यार, जैसा होगा पता करूंगा, अपडेट होगा वो आपको बताऊंगा। फिलहाल बार बार ये कहूँगा गाड़ी अपनी ध्यान से पार्क करिए, कैमरे वगैरह चेक करिए कि कैमरा वर्किंग भी है नहीं कि बस शो ऑफ के लिए लटका ही हुआ है, वो कैसे उसका व्यू है, एंगल है, मतलब साफ क्लियर फुटेज आ रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है कि कहीं पेड़ है, कहीं पोल है, कहीं कुछ है कुछ, पता फायदा ही नहीं लगाने का, तो चेक करते रहा करो। फिलहाल अभी ये वेट करते हैं, तब तक वो सामान वामान चेक करते हैं, सोनिया तो निकल गई, वो अपना शाम में आराम से, क्योंकि नोएडा जाना वहाँ जाना टाइम लगता है, ठीक है। मम्मी अभी अपना घर बात कर रही हैं और तैयारी वगैरह भी उनकी करानी है, पैकिंग भी कराना उनको, फिर निकलेंगे 15 तारीख को आज़ादी मनाते हुए और चलेंगे लखनऊ, इससे पहले सारे काम निपटा लिए जाए। अभी खाना वाना वो बना गई है तो अपना कुछ और जो रोटी वोटी देखना वो सोच के अपना निपटा के खाना वाना पैकिंग करने में लग जाएंगे, ताकि मम्मी पैकिंग करा दें, क्योंकि वो थोड़ा सा कमर उमर दर्द रहता है, बहुत परेशानी हो जाती है, झुका बार बार उठो ये सब होता, मैंने कहा मैं करवा दूंगा तुम परेशान मत हो। इसमें भी देखना है क्या क्या सामान है, ये खाली बोतलें निकाल ली हैं सब, ये कपड़ा है इनको धो देने, गाड़ी के कपड़े जितने भी हैं, डस्टर वगैरह है, टूल्स वगैरह मैंने सब निकाल लिए थे। इसमें क्या है देखते हैं, सब इसका स्क्लैटिंग वगैरह पड़ी है निकालना है, वो गाड़ी का सामान निकाल लाया था ना मैं, तो वही सब देख रहा हूँ उसमें कि क्या फेंकना है क्या रखना है, तो वही सब निकाल लें हम, मेरा दिमाग ठीक कर दो ये पाना निकला है स्क्रू ढीला है, तुम कहती रहती हो हाँ तुम तो आगे होगी ला, तुम्हारा दिमाग ठीक करना इसी में आगे रहोगी है ना ये लोग कान इससे बढ़िया बैठेंगे बेटे के कान कैसे ठीक करे जाते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ वो कान छुड़वा के ना ये लटका दूँ ऐसे, ऐसा रहेगा नया शौक निकाल लिए थे ताकि कहीं खोए ना, कहीं इधर उधर निकल गए तो फिर मिलेंगे नहीं, तो वही भैया निकाल के जरा इसको भी फ्री कर दें, जो कबाड़ा है निकाल के फेंकें, जो नहीं चाहिए ये तो चाहिए, क्योंकि गाड़ी की क्लैडिंग है, निकल गई तब से लगाए नहीं, अब इसको लगाऊंगा, लौट के आके लगाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है, लौट के आके लगाऊंगा। तो 3:15 हो गए, अब टाइम हो गया 4 बजे तक उसने बुलाया, तो रेडी होते हैं फिर कुछ ऑटो ऑटो करते हैं, पास में ही है और चलते हैं, 4 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, तो फटाफट से रेडी होते हैं, ओला या जो भी ओवर ऑटो मिलेगा उसकी बुकिंग डालते हैं और पहुंचते हैं वहां पे, देखते हैं कि गाड़ी धुल धुला के एकदम चकाचक करके, और थोड़ा सा इंस्पेक्शन भी कर लेंगे कि कुछ टायर वायर चेंज तो नहीं करे, वही लगे ना कुछ चेंज, हालांकि ऐसा है नहीं पर वो इंसानी दिमाग है तो थोड़ा सा खुतरक रहती है, तो देख लेंगे और फिर गाड़ी ले आके खड़ी करेंगे, उसमें कुछ सामान वामान भी जो निकाला है वापस रखना है, तो पहले चलते हैं
गाड़ी लेकर के आते हैं, धनों को लेकर के आते हैं। तो भाई 4:15 हो रहा है, गाड़ी फाइनली ले ली है, सारा पेमेंट वगैरह कर दिया है। अभी क्या पेमेंट किया है क्या नहीं किया मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी फिलहाल गाड़ी ले ली है, चारों तरफ से चेक कर लिया, गाड़ी ठीक ठाक है। अब वर्कशॉप से निकल गए, अभी मैप लगाते हैं क्योंकि यहाँ से रास्ता पता नहीं है, और दूसरा फ़ोन मैं लाया नहीं हूँ, इसी में मैप लगाऊंगा तो व्लॉगिंग भी नहीं करते हैं। वहाँ पे घर के पास गाड़ी पार्क करके आराम से देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैप लगाते हैं, घर निकलते हैं। सोने का भी फ़ोन आया था तो उसको भी बता दिया, गाड़ी उठा ली है और अभी बस घर पहुँच रहे क्योंकि वो भी रास्ते में ही है। तो चलो मैप लगाते हैं और फिर आगे पहुँचते हैं। अभी तो मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है तो मौसम अभी ठीक है। बस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पहले सोच रहे हैं तो पेट्रोल भी ले लिया जाए, तो पहले भी तो घर के पास ही देखेंगे। वैसे गाड़ी एकदम साफ कर दी, बढ़िया धुली हुई है, थोड़ी बहुत बारिश शायद हुई होगी तो पानी गिरा है। बाकी 54 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है अभी फिलहाल, तो घर तक तो पहुंच जाए, इसके बाद देखेंगे पेट्रोल वगैरह का। अभी इसको इधर रख देते हैं। तो हमारी प्यारी धन्ना आज मिल गई, कितने दिनों से बेचारी ऐसा खड़ी थी। अब फिलहाल मैप लगाते हैं, या तो उसके वो डाटा केबल लाया था ना, सब सामान मैंने बाहर ही रख दिया, डाटा केबल लाते तो यहाँ पे मैप लग जाता, आराम से ब्लॉगिंग भी हो जाती, लेकिन अभी मैप देखना है और कोई रिस्क नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे नैरो रोड्स हैं, तो आराम से चलते हैं घर के पास गाड़ी लगा करके देखेंगे। तो गाइस अभी अब आ गए हैं अपने घर के पास, गाड़ी की जगह लगा ली है, गाड़ी की चाबी भी ले ली है। अभी याद आ रहा है गाड़ी चला के आ रहा हूँ, अभी याद आ रहा है चाबी नहीं ली, चाबी पहले ही रखी हुई थी गाड़ी में। तो फिलहाल गाड़ी मिल गई, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहले लिया पेट्रोल क्योंकि आते आते 20 की रेंज दिखाने लगा, मैंने कहीं अगर ट्रैफिक व्रैफिक में किसी रेड लाइट पे अगर रुक गई और नहीं हो तो बहुत भसड़ हो जाएगी, इससे बेटर है पहले पेट्रोल ले लेते हैं फिर चलाया एसी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, ह्यूमिड हो रखी है, बिल्कुल ह्यूमिड हो रखा है, मतलब बारिश भी हो रही है ताबड़तोड़, लेकिन मौसम इस तरह से कहो दिन की धूप नहीं है लेकिन ह्यूमिड पूरी है। दौड़ा लगा लो, दौड़ा ऐसा काम कर लो, पसीना बहता ही रहता है। खैर छोड़ो, गाड़ी मिल गई, गाड़ी सब चेक भी कर ली है, पीछे स्टेप नहीं पड़ा था वही है और कुशन पड़े हुए हैं पीछे, बाकी सब अपनी जगह, सब टीम टाम है, टायर वगैरह सब चेक कर लिए, सब लगा हुआ है और गाड़ी में कोई चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया चल रही। उस दिन भी चला के ले गए थे तो कोई दिक्कत नहीं लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा सच लगा कि उन्होंने सब इंस्पेक्शन कर लिया था नीचे वगैरह का, चैसी वगैरह सब देख लिया, तो कोई डैमेज नहीं है, टायर लगा दिए। अब बात करते हैं पेमेंट की, तो टोटल बिल आया है अप्रॉक्स 80,000 का आया है, इसमें टायर अलॉय व्हील्स जो नट हैं वोल्ट लेबर चार्ज वो सब लगा होता है, टोटल एक मोटा मोटा पूरा अप्रॉक्स 80,000 का खर्चा आया। उसमें से हमें लगभग 18,700 समथिंग का हमें पेमेंट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस में टायर 50% कवर थे, इसलिए चारों टायर लगभग 37,000 समथिंग हैं, उसमें से आधा उन्होंने पे किया और आधा हमने पे किया, लेकिन चलो बहुत ज़्यादा अमाउंट से ये भी लिखला की है, ये भी देखो बैठे बैठा एक चपत लगी है। 18,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, 18,000 में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ है मरता क्या ना करता वाली कहावत हो जाती है कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता था वो थोड़ा कम में रह करके सिमट गया। तो थैंक्स तो इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कवर, ऐसा जब मैंने इंश्योरेंस कराया था तो उसमें ऐसा कुछ मैंने कवर लिया नहीं था कि एडवांस ऐड कराया हो कि इंजन कवर लिया हो, कंज्यूमेबल्स लिया हो, टायर कवर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लेकिन वो कहते ना उसने अगर ऐड भी कर दिया होगा ना तो बहुत अच्छा रहा, ऐड कर दिया। अगर अब मैं रिन्यूअल कराऊंगा तो उसमें टायर का मैं भैया जरूर लूंगा, क्योंकि टायर ही निकल सकते हैं इतनी जल्दी, बाकी कोई चीज तो निकल नहीं सकती। और एक चीज़ और पता चले कि मारुति वाले इंश्योरेंस क्या, अगर मारुति से इंश्योरेंस आप कराते हो तो इसमें आपको 100% मिल जाता, मतलब आपको टायर के 100% मिल जाता है। जैसा भी इस वाले इंश्योरेंस हमने डिजिट से करा रखा है, तो और मारुति से कराते हैं तो हमको ये 18,000 रुपये पे नहीं करने पड़ते, जो फाइल चार्ज होता है 1,000-1,500-2,000 रुपये जो अप्रॉक्स आता है वही देना होता है, बाकी ये टायर का 50% नहीं देना होता। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, समझ नहीं आया, मारुति से कराओ तो 100% डिजिट से। खैर हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनके TNC अलग अलग होते हैं, ये शुक्र है कि ये चीज़ कवर थी तो बहुत ज़्यादा हद तक हमें इतना लॉस नहीं हुआ। 18,000 का लॉस तो खैर अब बियर करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, 18,000 हम गाड़ी में लगा सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन देखो मतलब वही है ना, आप किसी का लिया होगा तो वो इस तरह से निकल के गया, अब यही मान के अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। फिलहाल अभी गाड़ी आ गई है,
सोनिया को बता दिया गाड़ी ही मिल गई, उसको रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि ज्यादातर गाड़ी वही यूज करती है। मैं तो जब दिल्ली से बाहर निकलता हूँ तभी ज्यादातर गाड़ी यूज करता, नहीं तो बाकी टाइम तो गाड़ी वही ड्राइव करती है। तो उसको रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि आज वैसे ही नोएडा जाना था, उसको गाड़ी जल्दी मिली नहीं तो वो कैब करके गई और कैब करके ही आ रही होगी। और मेट्रो से उसको कन्वीन नहीं लगा कि उस साइड बारिश बहुत हो रही, कौन भीगेगा। तो बस वो भी अभी क्या 5 बजने आ रहे हैं, वो भी 5:30-6 बजे तक आ जाएगी। अभी तो गाड़ी बाहर लगाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे बहुत सारे ये लोग हैं वहाँ पे लगाते हैं, रात में गाड़ी अंदर करेंगे। तो एक अंदर गाड़ी खड़ी है उसको थोड़ा एडजस्ट करना है, वो लोग भी आज एक आध हफ्ते बाद चले जाएंगे तो पार्किंग खाली हो जाएगी, लेकिन तब तक एडजस्ट करना है। मैं भी 15 तारीख को जा रहा हूँ तो सोने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी गाड़ी निकालने में, काटने वाटने में, लेकिन मैनेज हो जाएगा। फिलहाल ये था, गाड़ी से गाड़ी आ गई है, इंश्योरेंस ने काफ़ी अपना काम करा। हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि 100% कवर होता था, हमें 1000-2000 रुपये की खर्चा आता, 18000 रुपये नहीं आता। अब थोड़ा सा वही है, बार बार कह रहा हूँ लेकिन लगता है यार, आप लोग भी सोचो फ्री फंड में बैठे बिठाए एक 18000 रुपये का नुकसान हो गया तो यार पिंच तो होता ही है यार। 1000-2000 भी आदमी बहुत नहीं इधर उधर कर पाता, 18000 तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर मेरे जेब से 500 रुपये का नोट गिर जाएगा, 100 का नोट गिर जाएगा, 10 का नोट भी गिर जाएगा तो मैं 10 बार उसको सोचूंगा, लेकिन यहाँ तो बैठे बैठे 18000 रुपये का नुकसान हुआ। अब मैं कर्सी कर सकता हूँ जिसने टायर चुराया कि वो कभी अच्छा भला नहीं रह सकता, उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा तथा अस्तु, श्राप देता हूँ मैं उसको। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कोई हर कोई बियर नहीं कर पाता है। क्या पता कोई ऐसा इंसान हो जो इंश्योरेंस ना ले रखा हो, सडनली उसके साथ हो जाए, सोचो उसके साथ क्या बीतेगी, बहुत लफड़ा हो जाएगा। चलो फिलहाल गाड़ी आ गई, बस यही था। पुलिस वालों का तो कुछ पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ना ही उनका एक बार भी फोन आया कि भाई क्या लीड मिली है, क्या करना चाहिए, क्या फाइल उन्होंने बनाई है, अभी तो कुछ नहीं। बस ऑनलाइन एफ आई आर कर दी तो उसके बाद से उनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि सर आपका फाइल भी बनाना है तो उसमें आपका स्टेटमेंट लेना है, ये जैसे उस दिन बता रहे थे, उसके बाद से गायब है भाई, कोई वही नहीं है। यही तो चीज है यार, फिर कहते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को आप लोग ऐसे बोलते हो, कोई ऐसा बोला जाता है, वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यार यहाँ भी तो कुछ करो। टायर चोरी हुए हैं, बगल में भी 2 गाड़ी के टायर चोरी हुए हैं, और भी चोरियां हुई हैं, तो आपको देखना चाहिए ना कि किस कौन ही गैंग है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। दिल्ली जैसे शहर में आप ये चीज कर रहे हो, द्वारका जैसे पॉलिश इलाके में आप ये सब चीजें हो रही हैं, आपको कोई ध्यान ही नहीं है, तो कैसे आदमी सोचेगा यार, ट्रस्ट करेगा आप पे? क्या पता हो सकता है आपका कोई बंदा मिला हो उनसे, क्योंकि सुनने में आया कि पीछे गाड़ी मतलब जो पीछे चोर पकड़े गए उनको आपने छोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया यार, इतनी जल्दी तो बेल भी नहीं मिलती जितनी जल्दी आपने उनको पकड़ के छोड़ दिया, तो दैट मीन्स कुछ दाल में काला है। हम जो भी हो क्या कर सकते हैं, पब्लिक तो बस बैठी रह सकती है, कुछ कर तो सकती नहीं। अब कर तो बहुत भी कुछ सकती है, लेकिन अब मैं क्या करूं, कितने लोग इकट्ठा करूं। चलो ठीक है, घर चलते हैं, गाड़ी लगाते हैं और फिर कुछ चाय पानी करते हैं। तो भैया गाड़ी खड़ी करके आ गए हैं घर, मम्मी गाड़ी ले आया हूँ, गाड़ी ले आए। कितने की चपत लगी? 18000 की। 18000 रुपए गए, बैठे बिठाए गए। 80000 का टोटल नुकसान हुआ है, तो उसमें से 18000 रुपए हमका देना पड़ा है। कहा समझे भैया, लग गए भैया, इतना हम गुटखा चबा देते वे। हाँ टोटल जो उसमें खर्चा है 80000 रुपए का है, उसमें से 18000 रुपए हमें देने पड़े, बैठे बैठाए बिना मतलब के 18000 रुपए का नुकसान। हाँ मम्मी और गाली दो, और गाली दो अच्छे से। हाँ ऐसे ही गाली देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फलेगा नहीं, सूखे सूखे दस्त पड़ेंगे रोज सुबह शाम। ऐसे ही ऐसे छरे जाएंगे। खैर मजाक की बात तो अलग है, लेकिन दिल से बुरा लगता है भाई, 18000 रुपए 18000 रुपए मम्मी हमको ऐसे ही दे देती, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। है मम्मी 18000 रुपए दे देना तुम हमको। अरे वो तो ले लेना, वो कोई बात नहीं, लेकिन अरे नहीं ध्यान आया 36000 रुपए गए हैं सीधा। अरे बाप रे, अच्छा हाँ 4 टायर है ना। अच्छा, अरे 36000 रुपए मैं बताना भूल गया, मुझे लग रहा 2 टायर लगे गाड़ी में, 4 लगे भाई, 36000 रुपए दे देना ठीक है। चलो आगे घर, अब चाय बनाते हैं, या मम्मी तो कहते हैं चाय बनाओ, पिया जाए चाय, थोड़ा दिमाग को ठंडा किया जाए। तो बस 11 बज गए, खाना पीना हो गया था और गाड़ी भी सामने एक जगह लगवा दी है, पर सामने एक ब्लिंकिट स्टोर है तो वहाँ पे गार्ड वगैरह बैठते हैं, और सामने एक भाई उसकी उसी के घर में मतलब ब्लिंकिट का स्टोर बना हुआ है,
तो उससे जान पहचान है, तो उसको बोल दिया कि भी 4-5 दिन या 6-8 दिन गाड़ी वहाँ खड़ी कर ले, क्योंकि वहाँ पर कैमरा भी है, गार्ड भी बैठता है, और 4 बजे तक वो ब्लिंकिंग स्टोर भी ओपन रहता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे एक नीचे गाड़ी है सियाज है, वो थोड़ी सी लंबी है, तो थोड़ा सा उसको निकालने पड़ा, दिक्कत हो रही, वो लोग भी 4-5 दिन या 1 हफ्ते में चले जाएंगे, उसके बाद गाड़ी अपनी लाकर अंदर आराम से पार्क कर लिया करेंगे, झंझट नहीं। तब तक के लिए वो टाइमिंग के लिए सामने वहाँ पर गाड़ी सही जगह, वहाँ पर पूरा खुला एरिया है, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 रुपये वाली रोड है। 4 बजे तक तो मॉर्निंग में ब्लिंकिट ही खुला रहता है, उसके बाद वो गार्ड वहाँ बैठता ही है, तो वो देखे रहेगा। तो क्योंकि मैं अगर यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल सटा के लगा दूंगा तो उसको काटने निकालने में सोनिया को दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे घर जाना है तो फिर दिक्कत होती, इसलिए मैंने गाड़ी वहाँ पे लगवा दी, वहाँ पे देखे सुने रहेंगे और भाई भी अपना देखा सुना रहेगा, तो इससे ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये काम आज ही हो गया है, अभी मम्मी को वही सब पैकिंग वैकिंग करा रहे हैं, कल का दिन और है, परसों निकलना है, तो बस वही खाना पीना खा करके सोनिया अपना मार्केट के लिए थी, टहले टहले सब्जी लेने, मैं पैकिंग कराने लगे, गाड़ी की भी बात कर ली उससे कि वहाँ गाड़ी पार्क हो जाएगी, अब लाके जा खड़ी करो, फिर निकालने पटाने में दिक्कत हो तो फिर झंझट रहता है, अभी कहीं तो गाड़ी वाड़ी इनसे लग गई, तो और फिर मैंने कहा गाड़ी फॉर टाइमिंग वहाँ लग रहे हैं तो लौट के मैं आ जाऊँगा, तब तक ये लोग भी चले जाएंगे अपना, वो 4th फ्लोर पर हैं, उनकी सियाज है, तो उनको काटने वाटने में उनके भी कोई मतलब एक्सपायर कर गए थे, तो वो लोग यहाँ आए हुए हैं, चले जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं, दिक्कत होती सबको अपने, जब चले जाएंगे तो गाड़ी अपनी पार्किंग में आके आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा कि गाड़ी वापस आ गई है, भाई कौन है भाई, हॉर्न बजा ही जा रहा है, तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ कैसा कभी कुछ हुआ है, और आपने बताया नहीं कि आप लोगों का अलॉयस कैसे लगे, आप लोगों को लगता है कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें सब कुछ 100% कवर हो जैसे ना, तो वो भी कमेंट करके बताना, आप लोग कौन सा लेके रखे हो जिसमें 100% सब चीज़ें कवर हो जाती है, आपकी जेब से कुछ नहीं आता, 0 डेथ में, तो ये मुझे बताना था कि आगे के लिए मैं रिन्यूअल करूँगा, 2 नवंबर में रिन्यूअल है, तो उस कंपनी से रिन्यू करूँगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मिलता है कल आपसे नए ब्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें, बाय बाय।